12 दिन के बाद करण पटेल शादी की छुट्टी मनाकर आए तो रमन भल्ला भी यूएस से वापस आ गए और रमन भल्ला की एंट्री मारते ही बाय गॉड हमेशा की तरह फिर से हो गया टोटल सियप्पा। बड़े अरमानों से रमन भल्ला यूएस से वापस आए, इशिता को सरप्राइज देने का प्लान बनाया, चोरों की तरह अपने ही घर में घुस गए, लेकिन सासू अम्मा ने उन्हें देख लिया। सासू अम्मा का मुंह बंद कर और अपनी काम वाली नीलू से छुपते छुपाते रावण कुमार अपने बेडरूम में पहुँचे। प्यारी इशिता को सरप्राइज देने के लिए उसकी ही अलमारी में घुस गए, लेकिन नीलू की मेहरबानी से रमन भल्ला इस अलमारी में लॉक हो गए। लगा दिया इन मोहतरमा ने इस अलमारी में ताला, फिर क्या था, हमेशा की तरह भल्ला फैमिली में फिर से हो गया हंगामा। उन्होंने इतना बचने की कोशिश की कि वो एक्चुअली में सब लोगों से बच गए और लोगों ने उनके बिल्कुल बातों को माना, किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला, इसलिए 3-4 घंटे में बेचारे वही फंसे रहे क्योंकि सब लोग बहुत लॉयल है ना उनकी तरफ। हमारे बारे में किसी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, एक्चुअली नहीं बताया। इशिता ऊपर आई तो रमन भल्ला अलमारी के अंदर से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। इशिता बेचारी अपने पतिदेव को बाहर निकालने के लिए कितनी मेहनत से अलमारी खोल रही है देखिए, लेकिन लीजिए यहाँ पर भी एक सियप्पा, चाबी ही टूट गई। इसलिए ना आमतौर पे ऐसे सरप्राइज प्लान नहीं करना चाहिए। बेचारे रमन पता नहीं कैसे फंस गए यहाँ पे आके, एंड आई एम लाइक सरप्राइज्ड बट मोर ओवर शॉक्ड कि मैं निकालूं कैसे, क्या करूँ, एंड एक के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई जा रही थी। रमन भल्ला का सरप्राइज वाला आइडिया तो नहीं चला, लेकिन यहाँ रूही का ये आइडिया जरूर चल गया। अपने अलमारी में बंद पापा को स्ट्रॉ से और इस की होल के जरिए देखिए कैसे पानी पिला रही है प्यारी रूही। थोड़ी देर के बाद बड़ी जतन से रोमी चाबी वाले को लेकर आया और रमन भल्ला बाहर आया आखिरकार। रमन के लिए रोमांटिक चीजें बनी नहीं हुई है, सीम्स जब वो कुछ ज्यादा ओवरली रोमांटिक करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। रमन भल्ला तो रोमांस के मामले में सचमुच फिर से फ्लॉप हो गए हैं, लेकिन उनके इस अलमारी वाले सरप्राइज से मिसेस भल्ला को अपने बचपन के दिन जरूर याद आ गए हैं। एक दफा यह मैं काफी छोटी थी, मेरे ख्याल 7-8 साल की होगी, तो मैं अपनी नानी को तंग कर रही थी और मैं चाह रही थी कि वो मेरे पीछे भागे और जब मैं अलमारी के सामने से गुजरू तो अपने अलमारी में मतलब अपने आप को छुपा लूं, तो फिर वो भागते रहे और ढूंढते रहे मुझे, मैं ये करना चाह रही थी। और ये हुआ कि जब वो मेरे पीछे भाग रही थी तो मैं बहुत तेजी से भाग के आके मैं अलमारी के अंदर घुसी और मैंने जैसे खींचा तो वो सचमुच लॉक हो गई और मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ऐसे लॉक हो जाएगी। वो लॉक हो गई तो मतलब एक आध दफा मेरी नानी ने आवाज़ दी, भूख बैठ गई ढूंढने की और मेरा इतना खटखटा के यहाँ से सारा खून निकला और इतने घंटों में बंद रही कि वाकई मतलब बिल्कुल बेहोश होने वाली हो गई थी। उसके बाद मेरी मदर को अपनी साड़ी की जरूरत पड़ी, उन्होंने अलमारी खोली तो मैं अंदर। चलिए भाई उम्मीद करते हैं कि अगली बार रमन भल्ला का सरप्राइज फ्लॉप ना हो। आज तक ब्यूरो।